हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केवी स्पेशल चैनल। आज से मैं अपने चैनल पर एक न्यू कोर्स स्टार्ट कर रही हूँ, BES 127 असेसमेंट फॉर लर्निंग। ये जो कोर्स है ये सभी बीएड स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल रहेगा, चाहे वो कहीं से भी बीएड कर रहे हैं, इग्नू से कर रहे हैं, जामिया मिलिया इस्लामिया से कर रहे हैं या फिर किसी अन्य संस्था से कर रही है। साथ ही उन बच्चों के लिए जो टीचिंग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो साइकोलॉजी वाली पार्ट के लिए भी असेसमेंट एंड इवेल्यूशन वाला जो टॉपिक रहता है वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। तो अगर फर्स्ट टाइम वीडियो को देख रहे हो या फर्स्ट टाइम चैनल से जुड़े हो ना, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और सब्सक्राइब के साइड में एक बेल आइकन होगा उसको प्रेस जरूर करना, ताकि आपको नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन खुद मिल जाए। आइए करते हैं वीडियो स्टार्ट। सो स्क्रीन पर आप लोग देख रहे हो यूनिट 1 कंसेप्ट एंड पर्पस ऑफ इवेल्यूएशन। अगर बात करें इस यूनिट की, तो इसमें तमाम जो मेन टॉपिक्स हम जो पढ़ेंगे वो कौन कौन से हैं, इसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं बेसिक कंसेप्ट्स, मेजरमेंट, असेसमेंट, इवेल्यूएशन। इन सब में क्या डिफरेंस है उसके बारे में, रिलेशनशिप अमंग मेजरमेंट, असेसमेंट एंड इवेल्यूएशन, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस एंड इवेल्यूएशन, असेसमेंट फॉर एनहेंसिंग लर्निंग एंड अदर टर्म्स रिलेटेड टू असेसमेंट एंड इवेल्यूएशन लाइक अप्रेजल, टेस्ट, एग्जामिनेशन, ये सब क्या होता है इन सब के बारे में। तो अगर बात करें इंट्रोडक्शन वाले पार्ट की, देखिए कोई भी अगर कमेटी आती है, कोई भी अगर कमीशन का गठन होता है, कोई भी पॉलिसी आती है, तो वो एजुकेशन के लिए या फिर एग्जामिनेशन सिस्टम के लिए तमाम जो रिकमेंडेशंस है, रिफॉर्म्स है, वो सजेस्ट करती है। अगर बात करें NCF 2005 की, अगर बात करें नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 की, तो उन्होंने भी एग्जामिनेशन सिस्टम को लेकर के काफ़ी सजेशंस दिए, इवेल्यूएशन रिफॉर्म्स में हमें सजेशंस दिए, जिसकी ही बदौलत CCE, जो आप देखा होगा आपने, कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्यूएशन, ये आया और एक ये रिवोल्यूशनरी स्टेप भी साबित हुआ एग्जामिनेशन सिस्टम में। लेकिन अब क्या है, फिलहाल क्या है कि ये डिबेट का एक हिस्सा बन गया है, ये क्रिटिक्स में आ गया है और दोबारा से ये CBSE ने फैसला लिया है कि जो ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ एग्जामिनेशन थे ना, जिसमें टर्म एंड एग्जाम्स होते थे, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, तो उसी वाले पर दोबारा से कम बैक करें। तो ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे आगे ब्लॉक 3 में, यूनिट 12 जब हम करेंगे। अभी फ़िलहाल हम कौन से कर रहे हैं, यूनिट 1 कर रहे हैं, तो इसकी बात करते हैं, जो हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उनको जानते हैं। तो अगर बात करें इस वाली यूनिट की, तो हम जानेंगे इसमें कि असेसमेंट एंड इवेल्यूएशन क्या होता है और इनके जो मेन जो किस तरीके से जो असेसमेंट और इवेल्यूएशन है वो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का एक अहम हिस्सा है, इज अ पार्ट ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। असेसमेंट जो है एक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का हिस्सा है और इवेल्यूएशन जो है वो एंड प्रोडक्ट है लर्निंग का, और किस तरीके से जो इवेल्यूएशन है वो वैल्यू जजमेंट के साथ भी जुड़ा हुआ है और किस तरीके से वो असेसमेंट एंड मेजरमेंट से डिफरेंट है। सो स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हो बेसिक कंसेप्ट्स को। ये अगर एक टीचर अगर जिसको ज़्यादा नॉलेज नहीं है तो वो क्या करती है, ज़्यादा नॉलेज क्या, अगर मैं कहूँ नॉर्मली सभी टीचर्स अगर उन्होंने इतना डीपली नहीं पढ़ा है तो वो क्या करती है कि असेसमेंट, इवेल्यूएशन, मेजरमेंट, इन सब टर्म्स को ना इंटरचेंजेबली यूज़ करते हैं। लेकिन तीनों में ना अंतर होता है, वो अंतर क्या होता है ये हम वन बाय वन जानेंगे। आज हम देखने जा रहे हैं मेजरमेंट, मेजरमेंट क्या होता है। तो मेजरमेंट की अगर बात करें बेटा, मेजरमेंट की अगर बात करें तो मेजरमेंट इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ असाइनिंग नंबर्स टू इंडिविजुअल्स अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिक रूल्स। तो सिंपल लैंग्वेज में कहे तो ये क्या है कि एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम किसी भी इंडिविजुअल की कैरेक्टरिस्टिक्स को, ठीक है, बेसिकली हम कैरेक्टरिस्टिक्स को देते हैं, कोई भी पर्सन है उसके अंदर जो भी गुण है, उसके अंदर जो भी विशेषता है, जो भी काबिलियत है, उसके अकॉर्डिंग हम उसको कुछ भी नंबर दे दिए तो वो हो जाती है मेजरमेंट अकॉर्डिंग टू देयर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड विद फॉलोइंग सम स्पेसिफिक रूल्स। कुछ स्पेसिफिक रूल्स होते हैं, उसके अनुसार हम उनको मार्क्स दे देते हैं, तो ये हो जाता है मापन या फिर मेजरमेंट। ये जो है एक क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शन है किसी की भी परफॉर्मेंस का, क्या है, क्वांटिटेटिव है। तो ये चीज़ बिल्कुल याद रहना चाहिए कि क्वांटिटेटिव है, मात्रात्मक है। एक होता है क्वांटिटेटिव, एक होता है क्वालिटेटिव, तो ये वाला जो है वो क्वांटिटेटिव है, मात्रात्मक है, तो याद रखिएगा। आगे लिखा हुआ है कि इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ क्वांटिफाइंग द डिग्री टू विच सम वन और समथिंग पोजेस्ड अ गिवन ट्रेट। तो इसी से हमें पता चलता है कि एक जो ट्रेट है या फिर एक जो गुण है वो कितना है उस पर्सन के अंदर, कितना पोजेस करता है वो उस क्वालिटी को, उस कैरेक्टरिस्टिक को, उस फीचर को, तो वो चीज़ बताता है मेजरमेंट। तो अगर बात करें कुल मिलाकर के मेजरमेंट के अंदर कौन कौन से पॉइंट आते हैं, तो यहाँ पर ना स्क्रीन पर आपको मेजरमेंट के पॉइंट्स दिए हुए हैं, जो मेन पॉइंट्स है कि मेजरमेंट जो है इट असाइंस अ न्यूमेरल टू क्वांटिफाई सर्टेन एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन एंड नॉन ह्यूमन बींग्स। तो ह्यूमन हो या नॉन ह्यूमन बींग्स हो, उनको अगर हम न्यूमेरल दे रहे हैं, अगर उनको हम नंबर दे रहे हैं उनकी
विशेषताओं को देखते हुए, तो डेट इज़ मेजरमेंट। इट इज़ अ न्यूमेरिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ट्रेट्स, एट्रीब्यूट्स, कैरेक्टरिस्टिक्स और बिहेवियर। जो भी व्यवहार है या विशेषता है या फिर जो क्वालिटी है उनको देखते हुए जब हम न्यूमेरिकल डिस्क्रिप्शन कर देते हैं, मार्क्स दे देते हैं, नंबर दे देते हैं, नंबर असाइन कर देते हैं, तो वो हो जाता है मेजरमेंट। मेजरमेंट जो है वो एक अपने आप में एंड नहीं है, बट डेफिनेटली इट इज़ अ मीन्स टू इवेल्युएट द एबिलिटीज़ ऑफ अ पर्सन इन एजुकेशन एंड अदर फील्ड्स एज वेल। तो ये जो मेजरमेंट का हम यूज़ करते हैं, ये सिर्फ एजुकेशन में ही नहीं होता बल्कि और भी डिफरेंट फील्ड्स में इसका यूज होता है। और साथ ही ये जो है एंड प्रोडक्ट नहीं है, एंड रिजल्ट नहीं होता है, ये आप इसको कह सकते हो कि ये एक जरिया है, एक माध्यम है किसी को इवेल्युएट करने का। इट इज नॉट एन एंड इन इटसेल्फ, बट इट इज डेफिनेटली अ मीन्स टू इवेल्युएट द एबिलिटीज ऑफ अ पर्सन। किसी पर्सन की एबिलिटीज को जानने के लिए, उसकी क्षमताओं को जानने के लिए, उसके विशेषताओं को, गुणों को परखने के लिए जो हम नंबर देते हैं, तो वो हो जाता है मेजरमेंट। नेचर ऑफ मेजरमेंट एंड असेसमेंट वेरी फॉर वेरियस ट्रेट्स और एट्रीब्यूट्स ऑफ द स्टूडेंट टू डील विद। तो जो मेजरमेंट है एंड असेसमेंट है, मापन है और आकलन है, उनका जो नेचर है वो हर एक इंडिविजुअल के ट्रेट्स के अकॉर्डिंग, एट्रीब्यूट्स के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है, वेरी होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेजरमेंट में और असेसमेंट में डिफरेंस होता है, ठीक है। तो आगे जानेंगे वो, तो खैर असेसमेंट जब पढ़ेंगे तब आपको और ज़्यादा क्लियर होता हुआ चलेगा। अभी हम पढ़ रहे हैं मेजरमेंट के बारे में, तो इसी पर रहते हैं। तो अगर बात करें स्केल्स ऑफ मेजरमेंट की, जो मेजरमेंट होती है वो एक स्केल को फॉलो करते हुए होती है। देखिए मेजरमेंट का तो हमें पता चल गया कि हम कुछ भी चीज़ मापते हैं, मेजर करते हैं, वी आर मेजरिंग समथिंग एंड वी आर असाइनिंग अ न्यूमेरिकल वैल्यू टू द क्वालिटी और एट्रीब्यूट। तो जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो ही उसको ही हम स्केल ऑफ मेजरमेंट कहते हैं। स्केल क्या है? स्केल क्या है? स्केल एक सिस्टम है, स्केल एक स्कीम है जिसको आप कह सकते हो, जिसके द्वारा, जिसके बेसिस पर हम किसी को भी स्कोर देते हैं, किसी को भी वैल्यू असाइन करते हैं अकॉर्डिंग टू द कैरेक्टरिस्टिक्स बीइंग मेजर्ड। जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स मेजर की जा रही है उसके अकॉर्डिंग जो स्कोर दे दिया जाता है, जो वैल्यू असाइन कर दी जाती है, तो वही हो जाता है स्केल। तो स्केल एक सिस्टम है, स्केल एक स्कीम है, इसको ये मान सकते हो। और बेसिकली फोर स्केल्स होते हैं मेजरमेंट में, और वो फोर स्केल कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट इज नॉमिनल, देन इट इज ऑर्डिनल, इंटरवल एंड फाइनल जो हाईएस्ट वाला है वो है रेशियो। तो अब आइए चलते हैं, जानते हैं इन सब के बारे में वन बाय वन। तो सबसे पहले आ जाता है नॉमिनल स्केल। नॉमिनल स्केल की अगर बात करें तो इसके मैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जरूर बताना चाहूँगी और सिंपल लैंग्वेज में बताना चाहूँगी, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि ना, इसमें हम कुछ भी क्लासीफाई कर रही है, किसी को भी वर्गीकृत कर रही है, पीपल और ऑब्जेक्ट इनटू वेरियस कैटेगरीज, क्लासेस और सेट्स, ठीक है। हम पीपल को या फिर ऑब्जेक्ट्स को डिफरेंट कैटेगरीज में, क्लासेस में या सेट्स में हम वर्गीकृत कर रहे हैं। और एक सेट के लिए, एक ग्रुप के लिए जिनकी कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स है, जिनकी कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो उसके लिए हमने क्या किया, उसके लिए हमने एक नंबर उसको वैल्यू असाइन कर दी। फॉर एग्जांपल अगर एजुकेशन के लिए वन हमने नंबर डाल दिया, दूसरा हमने पॉइंट बना लिया साइकोलॉजी के लिए, तीसरा बना लिया कॉमर्स के लिए, तो इसमें क्या होगा कि एजुकेशन की जो है अपनी खुद की अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रेट्स रहेंगे, साइकोलॉजी के अपने अलग कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ट्रेट्स रहेंगे, थर्ड जो होगा कॉमर्स का अलग रहेंगे। तो इस तरीके से होगा। अब इसमें जो एक चीज़ और होगी कि इसके अंदर ना ऑर्डर नहीं होता, इसके अंदर नो ऑर्डर, ठीक है, डेट कैटर्स नो ऑर्डर टू डिफाइन द एट्रीब्यूट एज हाई, लो, मोर, लेस, बिग, स्मॉल, सुपीरियर, इन्फीरियर। तो इस तरीके की इसके अंदर या कह सकते हो कि स्टेटिस्टिक्स नहीं होती, नो इसके अंदर ऑर्डर नहीं होता। स्टेटिस्टिक्स बाद में फॉलो होती है लेकिन ऑर्डर इसमें हम नहीं कर सकते कि किस बेसिस पर, जैसे असेंडिंग या डिसेंडिंग में हमने जो भी रिजल्ट आया उसके अकॉर्डिंग हमने वो अरेंज कर दिया, तो वो चीज़ इसमें नहीं होती नॉमिनल स्केल में। ये वाला जो फर्स्ट स्केल आप लोग पढ़ रहे हो, और ना ही इसके अंदर जो हमारे बेसिक ऑपरेशंस होते हैं जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, रैंकिंग करना या इस टाइप के जो हमारे ऑपरेशन है, नंबर ऑपरेशन सब वो भी नहीं होते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि असाइनिंग नंबर्स इज़ प्योरली एन इंडिविजुअल मैटर। तो जो नंबर हम असाइन कर रहे हैं वो बेसिकली एक इंडिविजुअल मैटर पर, इसमें ग्रुप स्कोर से या ग्रुप मेजरमेंट से इसका कोई लेना देना नहीं है, एंड नथिंग टू डू विद द ग्रुप स्कोर्स और ग्रुप मेजरमेंट। और इसका जो मीनिंग होता है वो भी लिमिटेड होता है, ठीक है, इसका जो मीनिंग होता है वो भी लिमिटेड होता है, क्योंकि कुछ एक्सपर्ट्स जो होते हैं वो मेजरमेंट को कंसिडर नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है, और इसके अंदर मेजरमेंट लाइक हाइट, वेट एक्सेट्रा आर द एग्जांपल्स ऑफ नॉमिनल मेजरमेंट। स्टेटिस्टिक्स सच एज फ्रीक्वेंसीज, परसेंटेज, मोड,
तो ये सब इसके अंदर जो है फॉलो होता है। नेक्स्ट आ जाता है ऑर्डिनल स्केल। अब ऑर्डिनल स्केल की बात कर लेते हैं, तो ऑर्डिनल स्केल जो है वो सिनानिमस विद रैंकिंग और ग्रेडिंग। तो रैंक कर रहे हो किसी को, जैसे फर्स्ट सेकंड लास्ट आप निकाल रहे हो, जो भी बच्चे की परफॉर्मेंस रही है उसके अकॉर्डिंग कैटेगराइज कर रहे हो, रैंक कर रहे हो या ग्रेड कर रहे हो कि 10th पोजीशन पे ये फलाना बच्चा है, लास्ट में ये आया है, फर्स्ट पर ये है, सेकंड पर ये है। और साथ ही इसमें हम क्या कर सकते हैं, जो ऑर्डर हम मैं मना कर रही थी कि नॉमिनल स्केल में नहीं होता है वो इसमें होता है। इसमें हम लोएस्ट टू हाईएस्ट और हाईएस्ट टू लोएस्ट, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में जो भी अचीवमेंट स्कोर्स रही है उनको हम अरेंज कर सकते हैं, उनको हम अरेंज कर सकते हैं। तो ये चीज़ हो गई। और साथ ही इसमें जो स्टेटिस्टिक्स का जो यूज़ होता है उसके में मीडियन आ जाता है, दैट इज सेंट्रल टेंडेंसी, क्वार्टाइल, परसेंटाइल मेजर्स, कोरिलेशन इन रैंक डिफरेंस, मेथड एंड नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती है। बेसिकली रैंकिंग ऑफ लर्नर्स अकॉर्डिंग टू देयर हाइट एक्सेट्रा, तो ये चीज़ भी इसके अंदर आ जाती है कि बच्चों की हमने हाइट का डेटा निकाल लिया एक क्लास का पर्टिकुलर, जैसे मान लीजिए 4th क्लास के बच्चे हैं, सबकी हमने हाइट मेजर कर ली और उसको फिर हम असेंडिंग ऑर्डर में भी लगा रहे हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में भी लगा रहे हैं। उससे हमें ये भी पता चल रहा है कि जो एवरेज हाइट है वो पर्टिकुलर क्लास की इतनी है, इस एज ग्रुप की जो एवरेज हाइट है वो हम निकाल पा रहे हैं। साथ ही हमें पता चल पा रहा है कि टोलेस्ट कौन है, शॉर्टेस्ट कौन है। तो ये सारी चीज़ें हम ऑर्डिनल स्केल के ज़रिए हम कैटेगराइज कर पाते हैं, रैंक कर पाते हैं, ग्रेड कर पाते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारा इंटरवल स्केल। कौन सा आ जाता है? इंटरवल स्केल। तो इसमें भी कुछ जानने वाली बातें हैं, इसमें भी कुछ जानने वाली बातें हैं कि इट रैंक्स पीपल, ये जो है रैंक तो करेगा पीपल को या ऑब्जेक्ट्स को ऑन अ स्केल ऑफ इक्वल यूनिट्स, लेकिन इक्वल यूनिट्स के जो स्केल है उसके अकॉर्डिंग रैंक करता है। अब वो क्या कैसे, तो इसमें देखिए सबसे पहले जानने की ज़रूरत ये है कि नॉमिनल और ऑर्डिनल वाले इसमें सारी क्वालिटीज़ तो आ जाती है, साथ में इसके अंदर एर्बिट्ररी 0 पॉइंट, इसमें एर्बिट्ररी 0 पॉइंट भी होता है, मतलब कि इसमें जो है एब्सोल्यूट 0 पॉइंट नहीं होता या ट्रू 0 पॉइंट नहीं होता। इसमें जो ग्रुप बनते हैं वो इक्वल इंटरवल स्कोर्स के बनते हैं, जैसे 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30 एक्सेट्रा। यहाँ पर जो है इक्वल इंटरवल स्केल है, साइज ऑफ द क्लासेज आर इक्वल, साइज ऑफ द क्लास आर इक्वल। 0 to 5, 5 to 10, इसका मतलब 5 साइज जो है वो 5 का है, 10 to 15 इसमें भी 5 का है, 15 to 20 इसमें भी 5 का है, लेकिन यहाँ पर जो है एब्सोल्यूट 0 पॉइंट नहीं होता है इसमें मेजरमेंट का। एंड द एग्जिस्टिंग जीरो वैल्यू इज एर्बिट्ररी इन नेचर, डेट्स वाई ऑल टाइप्स ऑफ मेजरमेंट डन इन एजुकेशन एंड सोशल साइंसेज कम्स अंडर इट, और या फिर कह सकते हैं यूजली डन बाय द इंटरवल स्केल। द स्टेटिस्टिक्स मीन्स लाइक स्टेटिस्टिक्स लाइक मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, प्रोडक्ट मोमेंट कॉरिलेशन, टी टेस्ट एंड एफ टेस्ट, ये सब यूज़ करते हैं इंटरवल स्केल में। तो ये चीज़ आप लोगों को पता होनी चाहिए, ठीक है, ये चीज़ आप लोगों को पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो ज़ीरो एर्बिट्ररी आप कह रहे हो या एर्बिट्ररी 0 पॉइंट है, तो जैसे मैं अगर कहूँ कि 0 है किसी का, ठीक है, हमने किसी को 0 वैल्यू असाइन कर दी, तो इसका मतलब मान लीजिए कह रहे हैं हम 0 है, तो अगर IQ टेस्ट हो रहा है या इंटेलिजेंस टेस्ट हो रहा है और उसमें 0 दे दिया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चे का IQ ही 0 है, क्योंकि किसी का भी IQ 0 नहीं होता। लेकिन यहाँ पर जो है एर्बिट्ररी इन नेचर, इसी वजह से कहा गया है कि इसकी जो है एब्सोल्यूट 0 पॉइंट नहीं पता होता या ट्रू 0 पॉइंट नहीं पता होता। तो ये चीज़ है अचीवमेंट परफॉर्मेंस, IQ स्कोर एक्सेट्रा, ये सब इस वाले इंटरवल वाले जो आपका स्केल ऑफ मेजरमेंट है इसी के एग्जाम्पल्स है। IQ स्कोर 100 डज नॉट मीन डैट दिस पर्सन इज 2 टाइम्स मोर इंटेलिजेंट देन अ पर्सन विद IQ स्कोर 50। तो यहाँ से आप लोग समझ सकते हो, यहाँ से आप लोग इस एग्जाम्पल से आप अच्छे से समझ सकते हो कि अगर किसी का IQ स्कोर 100 है, तो हम ये नहीं कहेंगे कि जिसका IQ स्कोर 50 है वो उसकी जो इंटेलिजेंस है 100 वाले की वो 50 से दुगनी है, क्योंकि हम इतना एक्यूरेट इसमें नहीं निकाल पाते हैं। तो इसी वजह से कहा है कि इसका जो एर्बिट्ररी 0 पॉइंट होता है या फिर एक एब्सोल्यूट या फिर ट्रू 0 पॉइंट नहीं होता। आशा कर रही हूँ कि आप लोगों को ये समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट पे आ जाते हैं रेशियो स्केल। ये जो है हाईएस्ट स्केल ऑफ मेजरमेंट है, ये हाईएस्ट स्केल ऑफ मेजरमेंट है। तो इसमें जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो सब नॉमिनल स्केल वाली, ऑर्डिनल स्केल वाली, इंटरवल स्केल वाली, वो सब तो आ ही जाती है, लेकिन साथ में यहाँ पर जो जीरो वैल्यू एब्सोल्यूट इन नेचर थी इंटरवल स्केल में, वो यहाँ पर
ट्रू नेचर में ट्रू और एब्सोल्यूट ज़ीरो होती है, ठीक है, वो यहाँ पर ट्रू और एब्सोल्यूट ज़ीरो होती है। इसका मतलब ये है कि अगर हम ज़ीरो कह रहे हैं, अगर हम ज़ीरो वैल्यू असाइन कर रहे हैं, तो इसका मतलब यही हुआ कि ज़ीरो हाइट का मतलब है कि नो हाइट, ज़ीरो हाइट का मतलब नो हाइट। तो इसमें इट मीन्स कि ज़ीरो जो पॉइंट है मेज़रमेंट में, वो ट्रू और एब्सोल्यूट ज़ीरो पॉइंट की ही बात करेगा। मेज़रमेंट ऑफ हाइट, वेट, स्पीड, डिस्टेंस एक्सेट्रा, तो ये चीज़ इसके अंदर आ जाएगी। अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर इज़ एग्जैक्टली ट्वाइस टू 50 मीटर्स। जब हम बात कर रहे हैं डिस्टेंस की, तो 50 मीटर का दो गुना हो जाएगा 100 मीटर। तो ये जो हो गया, ये हो गया आपका एब्सोल्यूट नेचर, ये हो गया आपका एब्सोल्यूट नेचर। आशा कर रही हूँ कि अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा इंटरवल स्केल में और रेशियो स्केल में क्या डिफरेंस है, क्या मैं आर्बिट्ररी ज़ीरो या ट्रू पॉइंट या ट्रू ज़ीरो पॉइंट की बात कर रही थी, है ना। तो जितने भी हमारे मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सारे रेशियो स्केल के अकॉर्डिंग होते हैं, और जो स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स है आर परमिसिबल विद रेशियो स्केल। तो ये चीज़ भी इसके अंदर आ जाएगी। तो अब बात कर लेते हैं प्रोसेस ऑफ मेजरमेंट की। मेजरमेंट इज़ अ प्रोसेस विच इन्वॉल्व सर्टेन कॉमन स्टेप्स इन ऑल द फील्ड्स इंक्लूडिंग एजुकेशन। चाहे वो एजुकेशन है, चाहे वो अन्य कोई फील्ड है, अगर मेजरमेंट का प्रोसेस फॉलो होता है ना, तो उसमें कुछ कॉमन स्टेप्स होते हैं जो सबके लिए सिमिलर रहते हैं। तो एज अ टीचर आप सबको ये भी पता होना चाहिए। तो जो प्रोसेस ऑफ मेजरमेंट है उसके अंदर तीन प्रोसेसेस फॉलो होते हैं। एंड द फर्स्ट प्रोसेस इज आइडेंटिफाइंग एंड डिफाइनिंग एट्रीब्यूट्स, जिसमें हम जो गुण है, विशेषता है, या किसी भी पर्सन के लक्षण है, क्वालिटी है, उसको हम जानते हैं और उसको डिफाइन करते हैं। सेकेंड जो आ जाता है वो है बेटा डिटरमाइनिंग द सेट ऑफ ऑपरेशंस टू आइसोलेट एंड डिस्प्ले द एट्रीब्यूट्स। तो दूसरा जो है वो ये आ जाता है कि हम जो ऑपरेशन है, सेट ऑफ ऑपरेशंस को हम यूज़ कर रहे हैं ताकि हम जो एट्रीब्यूट्स हैं उनको हम आइसोलेट कर सके और उनको हम दर्शा सके, डिस्प्ले कर सके। और थर्ड आ जाता है, वो आ जाता है क्वांटिफाइंग द एट्रीब्यूट, कि उनको हम मेज़र कर सके, क्वांटिफाई कर सके उन एट्रीब्यूट्स को। तो इसके बारे में भी थोड़ा सा वन बाय वन बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आ जाता है स्टेप वन, आइडेंटिफाइंग एंड डिफाइनिंग एट्रीब्यूट्स। तो आप सबको ये पता है कि मैंने शुरू में भी कहा था कि हम मेज़र करते हैं किसी भी पर्सन का, जो भी उनकी क्वालिटी है, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको। तो यहाँ पर आप लोगों को सबसे पहले तो यही बात जाननी है कि यू नेवर मेज़र एनी थिंग और पर्सन, यू ऑलवेज मेज़र अ क्वालिटी और एट्रीब्यूट ऑफ डेट थिंग और पर्सन। कोई भी पर्सन है या कोई भी थिंग है, उसकी हम क्वालिटी और एट्रीब्यूट को मेज़र करते हैं, ना कि हम पर्सन को मेज़र करते हैं या थिंग्स को मेज़र करते हैं। उनकी कोई विशेषता है, कोई गुण है, कोई लक्षण है, उसको ही हम मेज़र करेंगे, ठीक है। तो हम जैसे हाइट कर रहे हैं, या एट्रीब्यूट्स की अगर बात करें तो उसमें हाइट हो गया, इंटेलिजेंस लेवल हो गया पर्सन का, या कोई किसी चीज़ की अगर बात करें तो उसमें टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग वाटर हो गया, ठीक है, डिस्टेंस हो गया, इस टाइप की चीज़ें इसमें आ जाएगी। देयर मे बी सम एट्रीब्यूट्स, कुछ एट्रीब्यूट्स ऐसे हो जाते हैं जो ईजिली ऑब्जर्वेबल है, ईजिली मेजरेबल है, लेकिन कुछ ऐसे एट्रीब्यूट्स होते हैं जो कॉम्प्लेक्स है और उनकी एब्स्ट्रैक्ट प्रॉपर्टीज होने की वजह से जो थोड़ा मुश्किल होता है मेज़र करना, तो उसी को हम कंस्ट्रक्ट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? कंस्ट्रक्ट्स कहते हैं। ये वर्ड भी आप लोगों को पता होना चाहिए। जब हम बात कर रहे हैं कि एब्स्ट्रैक्ट प्रॉपर्टीज़ होती है, तो उसके अंदर इंटेलिजेंस, क्योंकि इंटेलिजेंस आपको ये एक कंक्रीट फॉर्म में नहीं दिखाई देती, मूर्त फॉर्म में नहीं दिखाई देती। अगर मैं बात करूँ ईमानदारी की, कहाँ है ईमानदारी? आपको दिखाई दे रही है चलती फिरती, या कोई डिब्बा है, या मतलब कोई चीज़ है? ऐसा तो नहीं है, है ना। तो ऑनेस्टी हो गई, इंटेलिजेंस हो गई, ये सब क्या है? एब्स्ट्रैक्ट इन नेचर है, एब्स्ट्रैक्ट कंस्ट्रक्ट है। तो इसको मेज़र करने के लिए हमें कुछ सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स को आइडेंटिफाई करना पड़ता है, ताकि हम इन कंस्ट्रक्ट्स को क्वांटिफाई कर सके। फॉर एग्जांपल, फॉर मेजरिंग इंटेलिजेंस यू मे मेज़र परफॉर्मेंस ऑफ एन इंडिविजुअल ऑन वेरियस एबिलिटीज एज डिस्क्राइब्ड बाय मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी। अगर हमें किसी की इंटेलिजेंस को मेज़र करना है, तो हम उस पर्सन की परफॉर्मेंस को चेक करेंगे, उसकी एबिलिटीज़ को चेक करेंगे अकॉर्डिंग टू द मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी, जो आप लोगों ने इंटेलिजेंस में पढ़ी होगी, होवर्ड गार्डनर ने दी थी, है ना। स्टेप टू पे आ जाते हैं, डिटरमाइनिंग द सेट ऑफ ऑपरेशंस टू आइसोलेट एंड डिस्प्ले द एट्रीब्यूट। तो अगर बात करें सेकंड स्टेप की, तो इसके अंदर क्या होगा? इसके अंदर ना हम कुछ जो प्रोसीजर है,
कुछ जो प्रोसीजर है उनको डेवलप करते हैं ताकि हम पता लगा सके, ताकि हम इन्वेंट कर सके उन ऑपरेशंस को, और जो भी इंटरेस्ट, जो भी एट्रीब्यूट ऑफ इंटरेस्ट है, जो भी डिस्प्ले हो रहा है उनको आइसोलेट कर सके, उनको फाइंड आउट कर सके। तो ये जो एट्रीब्यूट्स है ये स्टैंडर्डाइज स्केल्स में भी हम मेज़र कर सकते हैं, जैसे लेंथ है, वेट है, वो एग्जैक्ट ही रहेंगे, ठीक है, वो एग्जैक्ट ही रहेंगे, तो उनको हम स्टैंडर्डाइज स्केल्स के थ्रू मेज़र कर सकते हैं। लेकिन अगर हम इंटेलिजेंस को, ओनेस्ट्री को, जितने भी हमारे एब्स्ट्रैक्ट कॉन्स्ट्रक्ट्स जो हमने अभी टर्म पढ़ी, तो उनको अगर हम मेज़र कर रहे हैं, डायमेंशंस ऑफ पर्सनैलिटी को मेज़र कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें कुछ सेट ऑफ ऑपरेशंस को डिटरमाइन करना पड़ता है, और इसी को हम कहते हैं ऑपरेशनलाइजिंग द एट्रीब्यूट और ऑपरेशनल डेफिनेशन। फॉर एग्जाम्पल, ऑपरेशनल डेफिनेशन ऑफ इंटेलिजेंस मे बी लाइक, तो ऑपरेशनल डेफिनेशन ऑफ इंटेलिजेंस की बात करें तो इन दिस मेजरमेंट आई क्यू रेफर्स टू द स्कोर ऑब्टेंड बाय एन इंडिविजुअल ऑन अ स्टैंडर्ड टेस्ट एक्स वाई जेड। अब वो स्टैंडर्ड टेस्ट कोई भी हो सकता है, अल्फा टेस्ट, बीटा टेस्ट, इतने सारे टेस्ट होते हैं, है ना, तो वो किस बेसिस पर किया गया है, वो पर्टिकुलर स्टैंडर्ड टेस्ट का नाम होगा, उसके अकॉर्डिंग आई क्यू मेज़र किया गया है, वो चीज़ होगी। तो ये हम जो एट्रीब्यूट्स का या ऑपरेशन का पता लगाते हैं किसी भी एट्रीब्यूट ऑफ इंटरेस्ट या क्वालिटी को डिस्प्ले करने के लिए, तो वो आ जाता है सेकंड स्टेप में। नेक्स्ट आ जाता है थर्ड स्टेप, क्वांटिफाइंग द एट्रीब्यूट। तो नेक्स्ट जो आ जाता है बच्चे, वो आ जाता है क्वांटिफाइंग द एट्रीब्यूट। इसके अंदर नाम से ही पता चल रहा है कि अब जो भी हमें डेटा उपलब्ध हुआ उसको हम क्या कर लेते हैं, क्वांटिफाई कर लेते हैं, ठीक है। तो जो भी हमने न्यूमेरल्स या नंबर्स को हमने असाइन किया, वैल्यू असाइन की, एंड टू क्वांटिफाई द एस्पेक्ट ऑफ मेजरमेंट और द एट्रीब्यूट, दिस क्वांटिफिकेशन हेल्प्स इन कम्युनिकेटिंग अबाउट द एट्रीब्यूट मोर एफिशिएंटली एंड प्रिसाइजली। जो भी एट्रीब्यूट हम मेज़र कर रहे थे उसको जब हमने वैल्यू दे दी, तो उसके बारे में हम और ज़्यादा प्रभावी ढंग से, और ज़्यादा प्रिसाइजली फॉर्म में, शॉर्ट फॉर्म में, एंड क्लियर वे में, क्लियर मैनर में हम उसके बारे में बता पाएंगे, कम्युनिकेट कर पाएंगे। क्वांटिफिकेशन हैज़ बिन डन अकॉर्डिंग टू अ सेट ऑफ रूल, तो वही जो सेट ऑफ रूल फॉलो होता है उसी को हमने स्केल ऑफ मेजरमेंट, जिसमें हमने चार टाइप के स्केल डिस्कस भी किए हैं अर्लियर, है ना, तो वो चीज़ होगी। साथ ही मैथमेटिकल ऑपरेशन फॉर मेकिंग द मेजरमेंट मोर मीनिंगफुल, ये भी हम अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे हम अगर हाइट्स की बात कर रहे हैं, ये एक हमने एट्रीब्यूट लिया, तो उसको हम किस स्केल के अकॉर्डिंग मेज़र कर रहे हैं, हम सेंटीमीटर में कर रहे हैं, हम इंचेस में कर रहे हैं, अगर वेट की करें तो पाउंड्स में, किलोग्राम्स में, तो ये चीज़ हो गई। यू विल यूज़ अ 5 पॉइंट और 3 पॉइंट स्केल टू मेज़र एनी बिहेवियरल एट्रीब्यूट। तो ये चीज़ भी पता होनी चाहिए कि कोई भी अगर बिहेवियरल एट्रीब्यूट है उसको जब हम मेज़र करते हैं, उसका जब हम मापन करते हैं, तो उसमें हम या तो 5 पॉइंट स्केल यूज़ करते हैं या फिर 3 पॉइंट स्केल यूज़ करते हैं। तो यह होता है आपका मेज़रमेंट का टॉपिक ख़त्म। आशा करती हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बहुत जो भी कुछ थोड़ा सा मुश्किल भी था, कोशिश की गई है कि उसको बिल्कुल आसान और सिंपल लैंग्वेज में बताया जाए। अगर फिर भी कोई डाउट होना तो कमेंट बॉक्स में अपने डाउट पूछ सकते हो, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी। अगर फर्स्ट टाइम चैनल से जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। अगर लोगों को जानते हो जो बीएड कर रहे हैं और उनके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रह सकती हो, तो प्लीज़ शेयर ज़रूर करना, क्योंकि मेरे कॉन्टैक्ट्स में कोई नहीं है, और ये जितने भी आप लोगों को सब्सक्राइबर्स दिख रहे हैं ना, वो आप सबकी ही बदौलत है, क्योंकि मुझे सब्सक्राइबर्स अच्छे मिलते हैं जो थोड़े बहुत शेयर कर देते हैं। तो अगर आपका भी कोई ग्रुप से किसी से जुड़े हुए हो बीएड के, तो वीडियो को लिंक ज़रूर शेयर कीजिएगा। आई विल बी थैंकफुल टू यू। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, और कोई डाउट हो तो ज़रूर पूछिएगा। आपने वीडियो देखी उसके लिए थैंक यू सो मच, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।